गाइस वेलकम टू माय चैनल फिट है लाइफ विद नीरू। आज की मेरी वीडियो है एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, एंड वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है चाय। यस, सही सुना आपने, चाय। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर चाय के बारे में बात हो रही तो क्या बातें होंगी। भाई फिटनेस का चैनल है तो चाय से रिलेटेड अगर मैं बात करूंगी तो आज मैं उन सारी चीजों के बारे में बात करूंगी या उन लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी जो चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बट उनको चिंता रहती है कि भाई मेरा वेट लॉस होगा कि नहीं होगा, चाय पीऊंगा या चाय पीऊंगी तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं, ठीक है। एंड यार अगर आप इंडिया से हो और नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो स्पेशली, तब तो आप जानते ही हो कि चाय की चुस्की के बिना दिन नहीं शुरू होता लोगों का। आज की मेरी टॉपिक में बात होगी कि भाई अगर आपको चाय पीना पसंद है तो आप कैसे उन सारी टेंशन्स और कैसे उन सारी बातों को टाटा बाय बाय कर सकते हो जो लोग आपको ये कहते हैं कि भाई चाय मत पियो, ग्रीन टी पियो, ब्लैक टी पियो, स्लिम टी पियो, टर्मरिक टी पियो अगर आपको वेट लूज करना है, ठीक है। तो हाँ जी भाई, अपनी अपनी इच्छा है, मेरे को नहीं पीनी ग्रीन टी, मुझे नहीं पीनी स्लिम टी, मुझे तो चाय पीनी है, तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हो। बट वही है कि अगर मेरे को वेट लूज भी करना है बट मेरे दिमाग में किसी ने वहम डाल दिया है कि भाई तू चाय पिएगा तो तेरा वेट गेन होगा, तो मैं जरूर सोचूंगा 10 दिन बाद। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चाय हमें पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। अगर हमें चाय पीना पसंद है तो हम किन सारी बातों का ध्यान रख सकते हैं चाय को कंज्यूम करने के लिए, और चाय को किस तरीके से बनाना चाहिए अगर हमें वेट लॉस भी करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल भी फॉलो करना है ना। तो ठीक है, पहले बात करते हैं कि चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। भाई जी आप चाय पी सकते हो, अगर आपको चाय पीनी है तो आप जरूर चाय पी सकते हो बिना किसी चिंता के, ठीक है। अब बात करते हैं चाय को बनाना कैसे है, वो भी डिपेंड करता है। तो मैं आपको अपनी रेसिपी बनाती हूँ, जो मैं चाय बनाती हूँ आप भी वही फॉलो कर लीजिए, ठीक है जी। चलो अब जल्दी से देखते हैं कि फुल ऑफ एनर्जी, फिट वाली और इम्यूनिटी बूस्टर वाली चाय को बनाना कैसे है। चाय को बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन को गैस पे रखेंगे एंड देन उसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी मैं हमेशा ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि ये चाय हम वेट लॉस के लिए बना रहे हैं। इसके बाद हम इसमें अदरक डालेंगे। अदरक में होती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से ये हमें हेल्प करता है किसी भी डिजीज या बीमारी से लड़ने में। दूसरी चीज जो हम इसमें डालेंगे वो है सिनेमन। सिनेमन में होती है एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से इन्फेक्शन हमसे दूर रहता है, और इसके साथ इसमें होते हैं खूब सारे एंटी ऑक्सीडेंट। अब इसमें 2 लौंग डालेंगे। लौंग सर्दी जुकाम को दूर रखने में हेल्प करता है, मुंह की दुर्गंध को कम करता है और पेट में गैस नहीं बनने देता। इसके बाद आप इसमें 2 इलायची अच्छे से कूट कर इसमें डाल दीजिए। इलायची हमारी चाय में अच्छी फ्रेग्रेंस लेके आएगा, साथ ही साथ ये हार्ट बर्न से लड़ने में भी हेल्प करता है। सबसे लास्ट में मैं डालूंगी काली मिर्च। काली मिर्च एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है एंड साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब मैं इसे बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 2 मिनट के बाद पानी अच्छे से बॉयल होने लगा है और इसका कलर चेंज हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चाय में हम चीनी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं इस चाय में गुड़ डालूंगी। गुड़ को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है एंड अब मैंने उसी पानी में इसे डाल दिया है। फिर इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे एंड उसको फिर से 1 मिनट बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा पानी बॉयल होने लग जाएगा हमें उसमें डालना है दूध। एंड आपको याद रखना है कि दूध जो होना चाहिए वो टोंड होना चाहिए, मलाई वाला दूध नहीं लेना है। ये जो 1/2 कप दूध मैं इसमें डाल रही हूँ इसमें मैंने पानी भी मिक्स किया हुआ है, आपको भी ऐसे ही करना है। एंड दूध डालने के बाद अब हम इसे फिर से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। एक बात और, आप इसमें चाहें तो तुलसी भी डाल सकते हैं। तुलसी डालना बहुत अच्छा होता है चाय में। मेरे यहाँ पे तुलसी सूख गई है तो इसीलिए मैंने इसमें तुलसी के पत्ते नहीं डाले। मेरी तो वेट लॉस वाली, इम्यूनिटी बूस्टर, फुल ऑफ एनर्जी देने वाली चाय बनकर तैयार है। अब मैं इसको कप में छान लूंगी और बिना किसी वेट गेन की चिंता के इस चाय को मैं इंजॉय करूंगी। अब तो आप समझ गए कि कैसे आप चाय का मजा ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। रेसिपी तो मैंने आपको दे, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज ये उन लोगों के लिए है जो सुबह उठते नहीं है बिस्तर से और बोलते हैं कि भाई यार चाय लेके आओ मेरे लिए, मुझे चाय पीनी है। तो भाई याद रखो कि कभी भी खाली पेट एम्प्टी स्टमक आपको चाय नहीं पीनी है, खाली पेट नहीं पीनी है। जी हाँ सही सुना है, जो खाली पेट चाय पीते हैं ना, मान लो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी बट वो बहुत ही कम टाइम के लिए मिलेगी, पर जो पूरा दिन होगा ना उसकी एनर्जी की तो वाट लग जाएगी। तो अगर आपको पूरा दिन एनर्जाइज रहना है तो आप सुबह उठने के 90 मिनट तक, हाँ 90 मिनट का गैप तो लो। उस 90 मिनट के गैप में आप भाई फ्रेशन अप हो जाओ, ब्रश कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, पूजा कर लो, उसके बाद चाय पिए। वो उठते ही चाय के पतीले में मुंह मत दीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है चाय की जो कैलोरीज है उसका ध्यान रखना है। चाय की कैलोरीज का ध्यान कैसे रख सकते हैं कि चाय बनाते टाइम चीनी का यूज मत कीजिए। हाँ जी चीनी मत डालिए,
चीनी की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं खुद गुड़ या जागरी यूज करती हूँ, तो आप भी जागरी, गुड़ या ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं। इससे जो आपकी चाय बनेगी वो 18 से 20 कैलोरीज की बनेगी मुश्किल से। तीसरी चीज, जो दूध होगा उसको मलाईदार दूध मत यूज करना, टोन वाला जो दूध होता है ना जिसमें मलाई निकली होती है, बिल्कुल मलाई निकल चुकी होती है, वो वाला दूध आप यूज करना। चौथी बात ये है, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ब्रेकफास्ट करो उसके 1 घंटे बाद, या फिर ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के बीच में आपको चाय कंज्यूम करना है, ठीक है। एक और बात, आपको अपने मील के साथ कभी भी चाय कंज्यूम नहीं करनी है, ठीक है जी। कुछ भी खा रहे हो उसके साथ चाय का मग्गा लेके नहीं बैठ जाना है और चाय नहीं पीने लग जाना है। पहले खाना खा लो, फिर 1 घंटे का गैप ले लो, फिर चाय पी लो। अब आती है एक और इम्पोर्टेंट बात, वो क्या है, वो है जी जो चाय के साथ आपका जो चखना चलता है ना, जो स्नैक्स चलते हैं कि भाई लाओ जी समोसे लाओ, लाओ जी जलेबियां लाओ, लाओ जी कचौरियां लाओ, लाओ जी बिस्किटों के पैकेट लाओ। एक तो आप खाते नहीं हो, एक की बजाय आप चार चार पांच पांच जो खा सकते हो उससे आपका वेट गेन होता है, ठीक है जी। हमेशा याद रखो, चाय के साथ जो स्नैक्स लोगे वो हेल्दी स्नैक्स लोगे, मखाना हो गया, चने हो गए भुने हुए, या फिर एक बिस्किट ले लिया, एक रस ले लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना, ठीक है। ये तो होगी बातें जो हमको ध्यान रखनी है जब भी हम चाय पी। तो मैंने आपको दे दी रेसिपी भी चाय बनाने के लिए, जो आप पी सकते हैं बिना किसी टेंशन के और बिना किसी चिंता को किए हुए कि मेरा वेट गेन होगा, ठीक है। इस चाय को जरूर ट्राई करो, फिर रिजल्ट्स देखो। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका वेट गेन नहीं होगा, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी ही रहेगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको और ऐसी फिटनेस वाली टिप्स चाहिए, वर्कआउट चाहिए जिनको आप कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, और इसको एक बड़ा सा थम्स अप दे दो, जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, सो दैट और भी जो लोग हमारे इस दुनिया में भाई बंधु बैठे हुए हैं जिनको टेंशन है कि भाई मैं चाय पीऊंगा, मैं क्या चाय कैसे छोड़ दूं अगर मुझे वेट लॉस करना है, तो उनके साथ भी शेयर करो और उनकी चिंता को भी दूर करो, ताकि सब खुश रहे, सब चाय पिए और चाय का मजा ले सके, ठीक है जी। तो जाने से पहले स्टे फिट स्टे हेल्दी ईट क्लीन, टाटा बाय बाय, सी यू सून।